पूरा देश इन दिनों कोविड-19 महामारी से परेशान है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का गांव जोंसर पेयजल के लिए पानी की समस्या से परेशान है। क्या कोरोना, क्या भयावह गर्मी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग पेयजल के लिए इन दिनों जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आज़ादी के 72 सालों बाद भी 1500 की आबादी वाले जोंसर के मातापाड़ा और डाबरिया फलिए में 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोकर व्यवस्था करनी पड़ रही है। पानी की जुगत में सुबह, दोपहर हो या फिर रात, यहाँ के लोगों का अधिक समय पानी लाने में ही गुजरता है। पूरा का पूरा परिवार बैलगाड़ी में तो बच्चे साइकिल से पानी लाने में जुटे रहते हैं। हर घर में बैलगाड़ी पर ड्रम बंधे हैं तो बच्चे साइकिल से पानी लाते हैं। पानी की समस्या खूब दूर से आता है, 2-3 किलोमीटर से पानी भरने की। पानी कोई नहीं, माता पड़ा, पानी कहाँ से पिया हूँ। 7 बजे से भरता है, 8 बजे तक भरता है शाम को। हाँ, डांडा डोरने कहाँ से पावा, जहाँ से भर भर के पावा, पीवाने को नहीं पावे, लावे का पावा हूँ। अब गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी के सभी स्रोत, चाहे वो हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो या फिर कुएं, सभी सूखने की कगार पर हैं। इन सब के बीच यदि किसी परिवार को पानी मुहैया हो भी जाता है तो पानी चोरी के डर से उन्हें अपने सभी भरे बर्तनों और ड्रम को ताला लगाकर रखना पड़ता है। केले जाता है, बहुत परेशानी है पानी की। आई करा, अभी गर्मी में पानी ले जाना पड़े, भरने इतने दूर से आना पड़े। इधर प्रशासन द्वारा भी कोई मदद नहीं मिलने से ग्रामीण रोजाना परेशान हो रहे हैं। अभी ध्यान में आया कि वहाँ पर पानी की समस्या है, ग्राम पंचायत को हम ये कल्पिक व्यवस्था के लिए बताया गया है, और स्थायी व्यवस्था के लिए अगर ग्राम पंचायत प्रोपोजल देगी तो अपन वहाँ पर पीएचओ को पहुँचा देंगे।